मेरा नाम सतेंद्र मोहन है और मैं भारत के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ पिछले 38 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये 83 के अंदर मैं फर्स्ट टाइम 9th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का डेलीगेट नियुक्त किया गया था और जो कि आज हमारा 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। मैं अभी गोवा से बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे इंडियन पैनोरमा की जूरी के मेंबर से इस बार मुझे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ने मुझे एक अवसर दिया है यहाँ पे आने का और मैं उसको उस हैसियत के साथ इस फेस्टिवल को अटेंड कर रहा हूँ। और मैंने ये देखा कि ये फेस्टिवल जो है 51st फेस्टिवल और इससे पुराने जितने भी फेस्टिवल आज तक हुए हैं उनके अंदर बहुत अंतर है। ये फर्स्ट टाइम है कि कोविड की वजह से ये जो हमारा जो फेस्टिवल है ये दो पार्ट में हो रहा है, एक पार्ट जो है हमारा वर्चुअल है और दूसरा पार्ट जो है हमारा फिजिकल है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मैं अपने सूचना और प्रसारण मंत्री जी को और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मैं दोनों को बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे समय के अंदर जब सब दूसरे देशों ने अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को या तो स्थगित कर दिया था या उनको बंद कर दिया था, तो ऐसे समय में हमारे भारतवर्ष ने एक बहुत बड़ी एक हिम्मत दिखाई है। एक बड़ा चैलेंजिंग काम था कि जो इन्होंने इस बारी इस 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है। तो उस दिन जब इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हुआ तो हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम इस वक्त अपने जो डिजिटल माध्यम है उसका हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं कि पहले जो हमारे डेलीगेट्स जो फॉरेन से आया करते थे वो इस बारी नहीं आए हैं, उनको यहाँ पे आने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी हम अपने भारतवर्ष की जो सारी फिल्में हैं पूरे संसार के अंदर हम पहुँचा सकते हैं। और तो उन्होंने इस बात को एक बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमने इस चीज़ को एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में हम इसको ले सकते हैं। जहाँ तक इस मैनेजमेंट का सवाल है, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है इस फेस्टिवल की और मुझे ये पता लगा है कि यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 3000 की थी हमारे टोटल सिनेमा को यहाँ पे मिला के आईनॉक्स और कला एकेडमी को मिला के इस बारी 3000 से जो ज़्यादा कैपेसिटी थी उसको 1200 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है।